पाक परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। फरमाया कि खबरदार, अल्लाह ही के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान आलीशान को हम देखते हैं, परवरदिगार आलम के फरमान के आगे। भाई वहाँ तो झूठ का कोई शायबा भी नहीं है ना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। इसमें जो कुछ हक और सच है, इसमें ज़र्रा बराबर भी शक करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक का ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से दिल इत्मीनान पाते हैं। अच्छा, फ़ी ज़माना देख लें कि हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, हम दीगर और बड़े खैर के काम, फला के काम भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहात भी पढ़ रहे होते हैं, उसके बावजूद दिल इत्मीनान नहीं पाते, दिलों को सुकून। पांच वक्त की नमाज ही नहीं, छः वक्त की नमाज ही, बाजमात नमाज़ें अदा करते हैं मगर दिल वही बेचैन है। ऐसा है कि नहीं? नमाज़ें पढ़ने के बावजूद दिल बेकरार हैं, दिल पे सुकून नहीं मिल रहा। तो ये हुआ क्या है? अल्लाह तो कह रहा मेरे ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, वो हकर सोचे, और हम ज़िक्र कर भी रहे हैं, फ़र्ज़ भी पढ़ रहे हैं, नफिल भी पढ़ रहे हैं, दीगर नफिल नफली काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे दिल इत्मीनान नहीं पा रहे और हमारी समझ में बात आ नहीं रही कि दिल ज़िक्र इलाही करने के बाद फिर दिल इत्मीनान क्यों नहीं पा रहे, फिर बेचैनी क्यों है, हमें सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा। असल में उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि इबादत करना ये अल्लाह का हक है, अल्लाह की इबादत करना ये हम पर अल्लाह का हक है, इसे कहते हैं हुकूकुल्लाह। पर इसके बाद बारी आती है हुकूकुल इबाद की। हुकूकुल इबाद से मुराद बंदे का बंदे पर हक। तो हुकूकुल्लाह तो हम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूकुल्लाह पूरे करने के बावजूद फिर बेचैनी क्यों है, बेसकूनी क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमने हुकूकुल्लाह तो पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो उसने हम पर एक दूसरे के हक रखे हैं, हम शायद वहाँ पूरे नहीं उतर रहे, और एक दूसरे का ख़्याल ना रखने को हम इतना कोई अहमियत दे भी नहीं रहे। और वो ये सिलसिला शुरू बाहर से नहीं होता, ये सिलसिला शुरू हमारे अपने घर से होता है, घर से निकलकर फिर बात बाहर जाती है। यानी पहले घर के अफराद जो हैं, वालदेन हैं, बच्चे हैं, तो पाक परवरदिगार आलम ने वालदेन के बच्चों पर और बच्चों के वालदेन पर हक रखे हैं। अब देखना होगा कि वालदेन का महक़ अपने बच्चों के हुकूक पूरे कर रहे हैं कि नहीं। वो नमाज तो पढ़ लें, लेकिन जो औलाद के हक अल्लाह ने वालदेन पर रखे हैं, आया वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें सबसे बेहतर अतिया अच्छी तालीम है और तरबियत, माल और दौलत नहीं, अच्छी तालीम। और यह अच्छी सबसे अच्छी तालीम जो है वो कुरान मजीद की है, सारे उलूम इसी में से निकले हैं। तो बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है अच्छी तालीम और तरबियत है। आया हम देखें कि हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ क्या परवरदिगार आलम की दीन की तालीम की तरफ भी उसी तरह उनके साथ तवज्जो दे रहे हैं कि जिस तरह दीन दुनिया की तालीम उनको हासिल करने की हम कोशिश करते हैं, उन पर ज़ोर देते हैं, क्या अल्लाह के दीन की तालीम को हासिल करने के लिए हमारी कोशिश वैसे ही अदा कर रहे हैं? तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर वालदेन इस मामले में औलाद के हुकूक की हक तलफी करने के मुजरिम करार पाएंगे। हालांकि जबकि वालदेन अपनी नमाज़ें पूरी पढ़ रहे हैं, अपनी नमाज़ें पूरी पढ़ रहे हैं,
लेकिन जब यहाँ बात आती है बच्चों की, तो बच्चों पे हल्का हाथ रखा हुआ, उम्र पड़ी है फिर देख लेंगे, फिर कर लेंगे। इसी तरह औलाद जब समझदार हो जाए तो उस पर वालदेन के हुकूक आ जाते हैं। अब औलाद समझ बालिग होने के बाद उस पर इबादत फ़र्ज़ हो गई, अब वो इबादत तो कर रहा है, वो औलाद चाहे बेटा है या बेटी है, वो इबादत तो कर रहे हैं मगर अपने वालदेन के हुकूक अदा नहीं कर पा रहे। तो उस इबादत से करने के बावजूद उनके अंदर एक बेसकूनी, वो जो ख़ुद फील कर रहे हैं कि अंदर एक बेसकूनी है, अब वो जजमेंट ही नहीं कर पा रहे कि जब हम जिक्र इलाही कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़ सुबह रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, फिर ही बेसकूनी क्यों है। आप जब कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं ना, तो तराजू में तोली जाए तोल कर दी जाती है हमें और पल्लों को बराबर किया जाता, ऐसी होता है यानी बैलेंस बराबर तोल के देना, मीज़ान पे तोल के देना। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद ये ऐसे ही तराजू है, इसको जब तक हम बराबर नहीं करेंगे अपनी इबादत के साथ साथ हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद अगर अदा नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक वो जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, हासिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने बैलेंस आउट कर दिया है, हमारा एक तराजू का पड़ला ऊपर है एक बहुत नीचे है। अल्लाह की बात वाला तो बहुत नीचे है, बड़ी बात कर रहे हैं बहुत नीचे है, और हुकूक उल इबाद वाला वो हल्का होके ऊपर गया हुआ है, या हुकूक उल इबाद में लग गए तो फिर हुकूकुल्लाह छोड़ दिए। जब तक कोई भी काम हो, जब तक आप उसमें बैलेंस नहीं करेंगे, उस वक्त आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर सुकून कल्ब चाहिए तो फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हर इंसानों के दरमियान जो भी रिश्ते हैं, मियां बीवी का रिश्ता है, अगर शोहर बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, ताजुद गुजार है, लेकिन अगर वो अपनी बीवी को हुक पूरे नहीं करता जो शरीयत ने उसको हक दिए हैं, अगर हम उसमें डंडी मार रहे हैं, तो फिर उसका ये रातों का जागना जो है ना, ये इसे सुकून कल्ब नहीं देगा, क्योंकि उसके घर में उसी की ज़ात से अल्लाह की एक बंदी मुतासर हो रही, उसको जिक्र इलाही करके सुकून नहीं मिलने वाला। इसी तरह वो औरत या वो बीवी वो पांच वक्त की नमाज यानी छः वक्त ताजुद गुजार है, दिन को रोज़ा भी रखने वाली, लेकिन अगर अपने शौहर के हुकूक का ख्याल नहीं करती, उसे भी सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। सवाब मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा, अल्लाह ने सुकून कल्ब की बात की ना, तत्माइनुल कुलूब, के अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पाते हैं, बड़ी अल्लाह ने बड़ी पते की बात की है, आँख की बात नहीं कि आँखें तुम्हारी ठंडी होंगी, दिमाग तुम्हारा सुकून में आ जाएगा, नहीं, दिल इत्मीनान पाते हैं, और सुकून तो दिल ही का होता है, सुकून जो असल बेसिकली सुकून होता है वो दिल का होता है, इत्मीनान दिल ही का होता है। और जब इंसान को यही हासिल ना हो तो बड़ी करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, लेकिन अगर सुकून नहीं है तो वह अरबों की दौलत उसके लिए बेकार है। ऐसा है, पैसे खाने से पेट थोड़ी भरता है, प्यास बुझेगी कल्बी सुकून के साथ, और कल्बी सुकून तब आएगा जब हम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक पर अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करेंगे। हम एक दूसरे का ख्याल करने वाले, एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करने वाले बनेंगे। ये तो घर की कहानी हो गई, ये घर की कहानी है, घर से शुरू, अपनी यानी अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा। आ जाएं आस पड़ोस में, अगर हम यहाँ बैठ के दर्स दे रहे हैं आपके सामने, और वहाँ पर हमारा पड़ोसी हमारे ज़ात के शर से महफूज नहीं है, तो इस दर्स का कुछ हासिल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ, और इस ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ को कहते हैं मुनाफ़क़त है, ज़बान पे कुछ हो और मामलात कुछ और हो। तो मुसलमान मुसलमान होता है, ये मुनाफ़ जिसम कहते हैं ना, उन कहते यार वो तो शक मुनाफिक है, मतलब मुनाफ़क़त करता है वो, असल में मुसलमान मुनाफिक नहीं होता। इस बात को आज ये पते की बात है, आप नोट कर लें, हम कहते हैं जिस तरह बाद वो किसी को कहते हैं ना यार ये तो बड़ा यजीद है, वो तो कोई पानी ना पिलाए ना उसको कहते हैं यार ये तो यजीद, तो बेसिकली यजीद तो नहीं है,
लेकिन जब यजीद जैसा उसने काम किया कि वो मशहूर है उस करबला के हवाले से कि उसने पानी बंद किया था, तो जो पानी बंद कर दे हम उसके तो इसने यजीदी काम किया है, तो यजीद जैसा है, यजीद है नहीं, काम यजीदियों वाला किया है। तो ये मुनाफ़त की जो सिफत है ना कि ज़बान दो इस्तेमाल करना, उससे कुछ कहना उससे कुछ कहना, ज़बान से कुछ कहना दिल में कुछ रखना वगैरह वगैरह, ज़बान पर दुआ है दिल में दगा है, ये मुनाफ़काना सिफत असल में थी यहूदियों की, अभी भी है, ये आदत यहूदियों की है। वो आक़ा अलैहिस्सलाम के पास आते थे ना, कलमा पढ़ते थे, मुसलमान होते थे, बज़ाहिर मुसलमान होते थे, लेकिन दर हकीकत वो अपने दीन से जुड़े होते थे, मुसलमानों की जासूसी करने के लिए आते थे बेटे। तो जब अल्लाह के रसूल ने उनका भेद खोला तो नाम ले लेके मस्जिद से निकाला, बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाले थे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले थे, लेकिन थे असल में वो मुनाफिक। जब अल्लाह को अल्लाह ने अपने माँ को बताया कि मस्जिद में फ़लाँ फ़लाँ ये मुनाफिक बैठे हुए, अब वक्त आ गया है कि अब इनको निकाल के नाम ले लेके बाहर निकालें, तो बाकी तो लोग उन्हें मुसलमान ही समझते थे, वो तो अल्लाह उसके रसूल जानते थे कि मुसलमान नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम ने उनके नाम लिए बकायदा, फ़लाँ बिन फ़लाँ उठो, फ़लाँ बिन फ़लाँ मुनाफिक उठो। सरकार नाम लेते जाते थे, वो यहूदी उठता, उससे किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि आप कैसे कह सकते कि मैं मुनाफिक हूँ। क्यों? वो यहूदी ये जानते थे कि ये अल्लाह का रसूल है, यहूदी ये जानते थे, मानते थे इस बात को, मगर उनका जो हसद था, उनका जो बुग़्ज़ था, दिल का कीना था, वो इस्लाम कबूल करने देता नहीं था। ये तो उन्हें पता था कि है अल्लाह का रसूल, तो इसलिए उनमें कहने की जुर्रत ही नहीं थी कि आप गलत कह रहे हैं। इसलिए आफियत उन्होंने यही समझी कि चुपचाप निकल जाओ वरना और पर्दे खुल जाएंगे। तो मुनाफ़काना सिफत जो है, दो ज़ुबानें बातें करना, इससे कुछ कहना उससे कुछ कहना, और दो बातें करके किसी दो को लड़ा देना आपस में, ये सारे यहूदियों की हरकतें। तो हमें मना किया गया कि जो मुनाफ़काना आदत है ये तो यहूदियों के, तुम तो अल्लाह को एक मानने वाले लोग हो, तुम तो रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर ये बुरी सिफत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी ये सिफत वाला बंदा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, यानी तो मुनाफिकों वाला काम है, मुनाफिकों वाला कहीं नहीं, ये तो ये काम यहूदियों का है, आप तो मुसलमान हैं, आप भी काम क्यों कर रहे हैं। तो जिक्र इलाही भी कर रहे हैं और मुनाफिकाना सिफत भी साथ चल रही है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सुबह शाम कुरान की तलावत भी हो रही है, हम कारी नहीं हाफिज़ भी हैं, हम आलिम दीन भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वो मुनाफिकाना सिफत वो बड़ी तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे फनकारी का नाम दिया जा रहा है। मैंने तो उसके साथ ऐसा गेम खेला ना, उसके तो पता ही नहीं चला, उसे तो पता नहीं चला, वो तो जानता है जिसके आगे तू सजदा करता है किसको धोखा दे रहा है। हम खुद बड़े धोखे में हैं और ये ऐसी इबादत 0/0 होंगी, कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे सजदों से अगर हमने अपना ये जो पैमाना है इसका बैलेंस नहीं किया। हम धोखे में जा रहे हैं अपनी इबादत के हवाले से, अपने जिक्र फिक्र के हवाले से, जैसा रब ने जिक्र करना हमसे मतलूब किया है वैसा हम कर ही नहीं रहे, हम तो अपनी मर्जी का जिक्र कर रहे हैं, यानी जिक्र भी करेंगे आदत अपनी बुरी नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह को इसकी तो हाजत नहीं है, वो तो अपना जो हमें से जिक्र करवा रहा तो हमारी भलाई के लिए करवा रहा ना, हम जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह क्या भला होने वाला है, अल्लाह को उनसे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। हम जो जिक्र कर रहे हैं हमें हमारी आफियत के लिए कहा गया कि तुम जिक्र करो जो रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा करके, ताकि फिर तुम्हारे दिल इत्मीनान पा जाएं। तो बग़ैर रिक्वायरमेंट पूरे किए बग़ैर, यानी मुनाफ़काना सिफत को साथ रख के अगर जिक्र इलाही करेंगे तो दिल क़यामत तक इत्मीनान नहीं पाएंगे, मर जाएगा बंदा लेकिन दिल इत्मीनान नहीं पाएंगे। तो ये एक पैमाना है। अगर हम देखते हैं कि मतलब कुछ साथी आते हैं कहते हैं हम जिक्र करते हैं लेकिन फिर भी बेसकूनी है, तो उसकी वजह यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने घर से, घर में या घर से बाहर, हम कहीं ना कहीं हुकूकुल इबाद के हवाले से डंडी मार रहे हैं। दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई दोस्त हमारा मुखलिस तो है लेकिन हम उसके साथ मुखलिस नहीं हैं, बेचारे को पता ही नहीं। रिश्तेदार हमारे साथ कुछ मुखलिस है मगर हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, उसको नहीं पता बेचारे को, और हम उसे फनकारी कह के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो इबादत हैं ये इबादत नहीं है,
ये धोखा है जो हम अल्लाह को तो धोखा दे नहीं सकते, गोया कि हम अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं। अला बे ज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह ही के ज़िक्र से दिल सुकून पाते हैं, दिल इत्मीनान पाते हैं। अल्लाह कह रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपना जायज़ा लें कि हुकूकुल इबाद के हवाले से हम कहाँ पे खड़े हैं। ये बड़ा फिकदान हो गया, बहुत फिकदान हो गया। जैसे ये बात नहीं कि कोई दुनियादार लोग कर रहे होंगे, ये दीनदार लोगों में ये चीज़ आ गई है, क्योंकि अब इससे बुरा समझा ही नहीं जा रहा।